पिछले 10 सालों में देखिए, नीति बन गई है गरीबों से खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना, कि किस तरह से केंद्र की सरकार उन उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है जो आपके जेब से बिजली का पैसा छीन रहे हैं। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहाँ स्वार्थ हावी है। प्रधानमंत्री जी जब यहाँ आते हैं कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए, क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहाँ आकर मुख्यमंत्री बन वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? भाजपा की सरकार यहाँ वापस आएगी तो पुरानी पेंशन खत्म। भाजपा की सरकार वापस आएगी तो सोचिए गैस सिलेंडर का क्या होगा, सोचिए कि आपको जितनी भी राहत मिल रही है उसका क्या होगा। इस बार आंखें खोलकर अपना वोट दो कि आपके लिए कितना काम किया है, आपके लिए कितना संघर्ष किया है, आपके लिए कितनी योजनाएं लाए हैं, और आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए जो सरकार दिन रात काम करेगी उस सरकार को अपना वोट दो। आप जानते हैं कि राजस्थान प्रदेश में, आपके प्रदेश में जो स्वास्थ्य की योजना है, जो स्वास्थ्य के लिए बीमा आपको 25 लाख का जो मुफ्त का इलाज मिल रहा है, ये किसी और प्रदेश में आज तक नहीं है। पहला प्रदेश है, शायद अभी अभी छत्तीसगढ़ में भी कुछ समय पहले शुरू किया गया है, वो भी कांग्रेस की सरकार है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1000 इंदिरा रसोई बनाई गई हैं, ये भी राजस्थान सरकार का काम है। इसमें आपको 8 रुपए पे भरपेट भोजन मिल रहा है। गैस सिलेंडर की जो सब्सिडी है, इसके तहत आपको 500 रुपए में सिलेंडर मिल रहा है, जब भारत सरकार ने इसको 1100 से 1200 रुपए का किया था। मेरी बहनों के लिए इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के तहत मुफ्त मोबाइल मिल रहे हैं। 1 करोड़ से ऊपर उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 0 आया है, और ये तब जब मैंने आपको समझाया कि किस तरह से केंद्र की सरकार उन उद्योगपतियों को आगे बढ़ा रही है जो आपके जेब से बिजली का पैसा छीन रहे हैं। राजस्थान में आज मिनिमम इनकम गारंटी एक्ट लागू है। ग्रामीण रोजगार की तर्ज पर शहरों में भी रोजगार गारंटी दी जा रही है। 5 लाख गिग वर्कर्स को कानूनी सुरक्षा दी है। इनको कोई नहीं पूछता, बहनों और भाइयों, जो गांव में रोजगार नहीं मिलता शहर चले जाते हैं रोजगार ढूंढने के लिए, और शहर में गिग का काम करते हैं, कहीं पे डिलीवरी हो गई, कहीं पे जाके कुछ देना है, ये सारे काम करते हैं। उनको कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता कि इनको कितना पैसा दिया जा रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान की सरकार ने खास इनके लिए भी कानूनी सुरक्षा दी है, ताकि कोई कम पैसे ना दे पाए, कम वेतन ना दे पाए। 309 नए कॉलेज बने हैं। मैं कल परसों तेलंगाना में थी, एक सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं बनी वहां 5 सालों में। यहां 309 नए कॉलेज, 9 नई सरकारी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं। क्यों? क्योंकि यहां कांग्रेस की सरकार है। जहां दूसरी सरकारें हैं, आपको मालूम है उस प्रदेश में क्या हो रहा है? एक भी सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं खोली है, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटियां खूब खोली हैं, ताकि जनता को फीस की मार पड़े और उनको मजबूरन प्राइवेट में जाना पड़े। हर जिले में यहां पर अस्पताल और नर्सिंग होम खोले गए हैं। सरकारी नौकरियों में ठेका की प्रथा खत्म हो गई है। 21 लाख किसानों को 14,000 करोड़ कर्ज माफ किए, और अन्नपूर्णा फूड पैकेट के माध्यम से आपको गेहूं, दाल, चीनी, तेल, नमक और मसाले मिलते हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, ये सब काम भाजपा को पच नहीं रहे हैं, इनकी नीति बन गई है। आप पिछले 10 सालों में देखिए, नीति बन गई है गरीबों से खींचना और बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचना। सोच लीजिए मेरी बहनों और भाइयों, भाजपा की सरकार यहां वापस आएगी तो पुरानी पेंशन खत्म। भाजपा की सरकार वापस आएगी तो सोचिए गैस सिलेंडर का क्या होगा,
सोचिए कि आपको जितनी भी राहत मिल रही है उसका क्या होगा। सोचिए क्या आपका मुफ्त में 25 लाख का इलाज हो पाएगा कि नहीं। राजस्थान का रिवाज बदल डालो, इस बार दोबारा कांग्रेस को लाओ। इस बार आंखें खोलकर अपना वोट दो कि आपके लिए कितना काम किया है, आपके लिए कितना संघर्ष किया है, आपके लिए कितनी योजनाएं लाए हैं, और आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए जो सरकार दिन रात काम करेगी उस सरकार को अपना वोट दो। प्रधानमंत्री जी जब यहां आते हैं उनसे पूछिए, वो ये कहते हैं कि आप मेरे नाम पर, मोदी जी के नाम पर आप वोट डालिए। पूछिए क्या प्रधानमंत्री पद छोड़कर यहां आकर मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? क्या उनको अपनी पूरी पार्टी में कोई चेहरा नहीं मिल रहा? पूछिए ना उनसे। भाजपा आपके बारे में नहीं सोच रही है, वहां स्वार्थ हावी है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं, कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा। बागमती ने कुनबा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुनबा तोड़ा। आज पूरी पार्टी बिखरी हुई है, एकजुट होने का नामो निशान नहीं है। यहां पूरी पार्टी एकजुट होकर मंच पर बैठी है।